हाँ तो भाई आ चुका है अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान का सेकंड मैच। मैं फर्स्ट मैच नहीं बनाया था, ठीक है ना, उसका वीडियो ना बनाया ना खेला मैच ना टीम टाम कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि आप लोग जानते हैं जिसका मैं वीडियो बनाता हूँ उसका स्टेटस मेरे पास होता है, लिखा हुआ पड़ा हुआ रहता है, उसका मैं टीम आपको देता हूँ, अब खुद मैं खेलता हूँ नहीं तो मैं खेलता ही नहीं, ठीक है। यही नहीं है और आगे सुनिए, देखिए यहाँ पर क्या है, महेंद्र राजपक्षा स्टेडियम श्रीलंका 24 अगस्त 3 बजे PM, है ना, 3 बजे PM दोपहर में मैच खेला जाएगा। भाई सवाल हमारा एक ठो है ना, अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा है, वो किधर उधर उधर मतलब आगे, और श्रीलंका कहाँ है, इंडिया के सबसे पीछे नीचे में छोटा सा देश, वहां ले जाके ये दोनों का मैच खेला का मतलब है, श्रीलंका मैच का है हो रहा भैया, कोई बता सकता है क्या, जवाब है किसी के पास, मैच है अफगानिस्तान पाकिस्तान का बीच में, अब हो रहा है मैच श्रीलंका में, वहां से उड़ा के जहाज यहाँ लाके खेला करवा रहा मैच, कहा है भैया ये दोनों के पास है? स्टेडियम में नहीं है क्या अपने पास? बताइएगा अगर जवाब आपके पास होगा तो, ठीक ना, हमको पता बहुत सारे लोग अजीब अजीब जवाब देंगे, अब अजीब जवाब होना भी चाहिए साला, है वो कहाँ वही वाला कहाँ रहना कहाँ सहना कहाँ आगे घसने वाला काम है, बड़ा दिक्कत वाला मामला है, ठीक है। तो बात हो गई श्रीलंका मैच होगा 3 बजे PM, ठीक है, कहीं मैच अपने काम मतलब एक बात है, ठीक है, आई होप कि कमेंट किए होंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पर आपको टॉपिक कवर इन दिस वीडियो, मतलब क्या क्या इस वीडियो में मिलने वाला है, भाई साफ साफ पहले सुन लीजिए, मैच डिटेल पिच एनालिसिस एंड रिपोर्ट के साथ दूंगा, ठीक है, स्पेशल बॉलर्स एनालिसिस करके दूंगा, टीम हेड टू हेड रिकॉर्ड्स ऑल प्लेयर स्टेटस इन डिटेल्स के साथ, और उसके बाद प्लेयर बैटल मिलेगा, मतलब कौन किसको आउट करता है, मतलब कौन किसके सामने स्ट्रगल करता है, कौन किसके सामने खेल नहीं पाता, या कौन ऐसा बैट्समैन है जो वो बॉलर को बहुत पीटता है, या वो कौन सा बॉलर है जो बैट्समैन को जल्दी आउट करता है, ठीक है, इसका मतलब होता है प्लेयर बैटल। उसके बाद की प्लेयर जीएल एंड एसएल टीम भी आपको साथ में मिलेगा, तो फटाफट से एक वीडियो को करिए अगर गड़गड़ा के लाइक, और चैनल पर नहीं है ना तो दबा के करिए सब्सक्राइब फट से आज, क्योंकि जो यहां मिलेगा ना कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, तो फटाफट से, क्योंकि बहुत सारे हमने जो है कि अभी एक्सपेरिमेंट किया हुआ, जो कि सारा एक्सपेरिमेंट का लॉजिकल टीम कैसे बनाना पूरा चीजें मतलब आपको जो है ना YouTube चैनल के माध्यम से सिखाने वाले हम, ठीक है, एक वीडियो से तो सिखा पाना मुश्किल है, धीरे धीरे सब सिखा दे जाएंगे, कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है, सब्सक्राइब करके जरूर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा मेरे भाई, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। अब देखिए जो टीम है ना, जो मैं बोला कि मैं स्टार्टिंग में क्या मैं बोला था, मैं सब मैच नहीं खेलता, जो हमारे पास होता है सबका रिटर्न ये रहता है ना, ये तो है मेरे पास तब खेलते हैं उसको, ठीक है, तो वही मैच का टीम हम यहाँ कहा टेलीग्राम पे देते हैं बिल्कुल फ्री, कोई भी चीज का पैसा नहीं लगता, सबसे बड़ी बात वार्निंग कह सकते हैं इसको, एकदम डिस्क्लेमर नोट कीजिए, एक क्रिकेट एक्सपर्ट गुरुजी के पास पैसा नहीं लगता किसी चीज के लिए भी, ठीक है। तो आपको क्या है, टेलीग्राम में ज्वाइन करना है, यहाँ पर मोर पे क्लिक करना है खाली, बस दिख रहा है मोर दिखता होगा यार, अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान यहाँ लिखा होगा ना, यहाँ पर मोर दिखता होगा ये वाला, इस पर आप क्लिक करिए वीडियो के जस्ट नीचे, उसके बाद ये है डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, ये है लिंक, यहाँ पर आके क्लिक करिए टेलीग्राम का लिंक पे, आप यहाँ ज्वाइन हो जाएंगे, यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए, बस ज्वाइन हो गए, एक इमोजी मुझे दे दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है, कल बोले तो लोगों का फाड़ के मुझे दिया, सब फाड़ के हम भी टीम दिए, 4 साल को जीएल गया है ना, कबाड़ दिए धर के पूरा, वो चीज होना चाहिए, आप लोग जब मोटिवेट करेंगे तब मैं आप लोग के लिए कुछ कर पाऊंगा, या कोई भी इंसान हो मोटिवेट जरूर जरूर आपको करना, ठीक है। और ये एक क्रिकेट एक्सपर्ट गुरु जी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिले, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं श्रीलंका के पिच के बारे में, साला मैच है अफगानिस्तान पाकिस्तान का, बात कर रहे हैं श्रीलंका के पिच के बारे में, क्या कर दुर्भाग्य का बात है, ठीक है। तो पिच रिपोर्ट देखिए भैया, यहाँ ये जो है ना पिच है, और हम्बन टोटा है पिच, ज्यादा कुछ नहीं, हम्बन टोटा को सब लोग जानता है, महेंद्र राजपक्ष, देखिए एवरेज स्कोर है 250 से 270 के बीच में बन जाता है, ठीक है, 368 रन पे 4 विकेट हाइएस्ट, लोवेस्ट 59 पे 10 विकेट भी गिरा है, ये हम्बन टोटा भी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है ना, देख रहे हैं, मगर यह एवरेज इतना तक लगभग में हो जाता है, कैसे हो जाता है देखिए यहाँ पे सुनिए, सुटेबल फॉर गुड पिच टू स्कोर रन, मतलब स्कोर के लिए अच्छा है, मगर कभी कभी मामला ये गड़बड़ होता है, ज्यादातर नहीं नहीं होता, ठीक है, ज्यादातर मैच में क्या होता है ये रन बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पेसर एंड स्पिनर बूथ मिलता है, दोनों को हेल्प यहाँ पर मिल रहा है भाई, फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में कुछ इस टाइप का रन बनते दिखाई दे रहा है आपको, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से देखिए इस चीज को, यही आपको काम करेगा भैया, फर्स्ट इनिंग से हम कितना बैट्समैन ले जाए, सेकंड इनिंग से कितना बैट्समैन ले जाए, ये देख के पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए अंदाजा कम से कम लगाइए,
बाकी 100% सटीक अंदाजा कोई नहीं लगा सकता क्या होगा कल को, मगर अंदाजा इससे लगा सकते हैं हम, ठीक है। विकेट स्टेटस, लास्ट 4 मैच पीछे गए थे हम आपके लिए खोजने कि कौन कितना विकेट लिया भैया, हम सर्च करके लेके आते हैं। हमको कहा मिला, पेसर मिले 30 विकेट लेते हुए, ठीक है, 4 मैचों में। और स्पिनर कितने मिले, 27 विकेट लेते हुए मिले हमको 4 मैच में, हम पीछे गए थे तो, ठीक है, बात समझ में आ गया ना, 4 मैचों का ये, तो दोनों को मिला जुला के बराबर मिला, कोई ज्यादा खास नहीं मिला। फिर भी किस टाइप के पेसर और किस टाइप के स्पिनर जो होते हैं ना, वो चीज मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक है, सबर करिए थोड़ा सा, बस सब चीज दिखाऊंगा, आधा अधूरा काम मेरे पास नहीं होता। मैं बोला ना कि जब भी मैं आता हूँ पूरा सब कुछ साथ में लेके आता हूँ, नहीं तो नहीं आता, सीधा बात है तुमसे, हाँ तो हाँ ना तो ना, ओके। देखिए वेन्यू ओडीआई स्टैटिक्स, यहाँ पर टोटल मैच कितना 21 हुआ है, याद रखिएगा 21 मैच हुआ है। बैटिंग फर्स्ट वन 10, बैटिंग सेकंड वन 11 किया, ये भी मतलब मिला जुला के बराबर है ना, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ठीक है। उसके बाद स्कोरिंग पैटर्न क्या है, बेलो स्कोर 200 से नीचे, बेलो का मतलब नीचे होता है, 3 बार बना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 200 से 249 4 बार बना है, 250 से 299 4 बार बना है। उसके बाद एबव स्कोर 300 से ऊपर 10 बार बना है। हम गलत बोलते हैं कि स्कोरिंग पिच है, ये क्या है, गुड पिच टू स्कोर रन्स, सही बोले है ना, इसे देखिए आप, 200 से नीचे सिर्फ 3 ही बार बना है, बाकी सब ऊपर बना है ना, समझ गए बात को ना, मतलब रन बनता है। मैं कभी कभार हुआ जब मामला खराब तो उन शॉटों पर 10 विकेट गिर जाता है, हम नहीं चाहते कि वो कल वाला हो जाए ऐसा ही, या आज ना मैच ऐसा हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बाकी मिला जुला के गुड पिच रन है यहाँ पर, ओके। अब देखिए है तो बात 2023 का ही है, ये भी 2023 का बात है, ये भी 2023 का बात है, ठीक है, एक सिर्फ 2020 का है, इसको हम पाक वर्सेस अफगानिस्तान का मैच हुआ 22 अगस्त को, 201 रन पाक बनाए, 10 विकेट पर 47.1 ओवर खेला था, फर्स्ट बैटिंग करते हुए 59 पर 10 विकेट गिर गया, 19.2 ओवर खेला अफगानिस्तान साला, हम गए हम मैच ना देखे थे ना खेले थे, कुछ भी नहीं था हमको, क्या पता चला ये है, अरे यार मतलब ये कल का ही रिकॉर्ड है जो कि फर्स्ट रिकॉर्ड बना, 59 पर 10 विकेट वाला, ठीक है, कल का रिकॉर्ड है, इसको क्या बताया इसमें छोड़े सा, लेकिन इसको देखते हैं क्या है भाई, 7 जून का, ठीक है, अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच है, 116 10 विकेट 22.2 ओवर में, श्रीलंका 120 एक विकेट 16.16 ओवर, मतलब मान लीजिए अगर मिला जुला के इन दोनों की बात करें, एक और अफगानिस्तान है का भाई 191 रन यहाँ पर मारा है, फिर भी यहाँ पर हार गया, मिला जुला के अफगानिस्तान का यहाँ पर हारना थोड़ा सा तय हो गया लग रहा हमको, है ना, हर बार हारा शायद क्या, तो यहाँ पर 68, हाँ यहाँ पर सिर्फ जीता होगी 2020 में, पता ना कौन कौन था कौन नहीं था, मगर अभी 3 बार लगभग देख रहे तीनों 2023 में हारा है मैच यहाँ पर, ठीक है, यह मैच लगता है हार के जाएगा, क्या बोलते हैं आप लोग, अफगानिस्तान हारेगा पाकिस्तान हारेगा, मारिए लिखते जाइए फटाफट यार कमेंट में लिख लीजिए, कम से कम आपका भी होना चाहिए ना कि हम भी कुछ बोले थे, हाँ वही वाला हुआ बतिया है ना, अब आपका जो सही होता बतिया ना उस पर बहुत आपको प्रॉफिट है, आगे दिखाते हैं, देखिए प्रॉफिट क्या है आपको दिखाता हूँ मैं आगे, ठीक है। उससे पहले ये 4 मैच का जो मैं बताया था बॉलर्स का, उसके बारे में जानिए, देखिए बॉलर कौन कितना विकेट यहाँ पर लेके जा रहा है, इस चीज के बारे में आपको, राइट आर्म फास्ट ये बॉलर 15 विकेट ले गया है इस जगह पर, याद रखिएगा, बाकी और कहीं जगह हो बात अलग, हमको नहीं पता उसे माथा पीछे, मगर इस वेन्यू पर महेंद्र जो है राजपक्षे महेंद्र स्टेडियम वेन्यू हम्बर टोटा पर 15 विकेट ले गया राइट आर्म फास्ट, और लेग ब्रेक आरएल भी यहाँ पर 10 विकेट ले गया, बाकी ये लोग सब जो है कि 2 विकेट आरओबी के, मगर यहाँ पर यहाँ यार 15 विकेट है, देख रहा आरओबी मस्त कमाल कर देगा भाई, सब दिखाते हुआ ये 9 विकेट है, तो ये सब कौन है आखिर, आरओबी मारोबी आरओबी कौन है ये दिखा रहे हैं आगे, ठीक है, इन्हीं को लेकर के अपने टीम में चलना है, बाकी अगर बोले मोटा मोटी तो 1 2 3 ये हो गया 4 बस, बाकी सब टिंगी टूंगा है ना। अब देखिए ये क्या है भाई, टोटल मैच 5 हुआ तो 5ों मैच पाकिस्तान जीता भाई, एक को मैच नहीं जीतने दिया सब साल, क्या करब पाकिस्तान है भाई, है ना, यहाँ पर पाकिस्तान सब साल बस छोटा ही देश को हरा पाता है, बाकी आगे तो हालत खराब हो जाता है अभी, है ना। अब देखिए जो मैं बोल रहा था आपको कि कैसे आप पैसा कमाएंगे, 10% का कैशबैक, सबसे पहले नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जाइए फटाफट से, आप डाउनलोड करेंगे 50 रुपये आपको सीधा मिलेगा खेलने के लिए, एक गुरु जी कोड डाल दीजिएगा बस, ये नहीं डालेंगे तब वो अपने आप डाला जाएगा, ओके। BB10 वहां पर डालने का 10% मिलेगा आपको, ये देखिए रैंक है यहाँ पर, ठीक है, लीडर बोर्ड प्राइज पूरे, यहाँ लूडो भी होता है ना बहुत अच्छा खासा, यहाँ पर लूडो में भी आपको लीडर बोर्ड मिलता है, मतलब जीतते हैं आपको पैसा अलग मिलता है, प्लस में लीडर बोर्ड में ऊपर आते हैं तो यहाँ पर अलग मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए
उसके बाद जब मैं बात किया था आपको कि भाई अपना यस नो बोल के भी आप पैसा कमा सकते हैं, तो बिल्कुल कमा सकते हैं। अफगानिस्तान विल विन द फर्स्ट ओडीआई मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। क्या हुआ था फर्स्ट ओडीआई में? पाकिस्तान जीता था, है ना, मगर यहाँ पर क्या था, अफगानिस्तान के बारे में पूछा था। ये क्या रहेगा, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, सीधा फॉल्स में जवाब देते हैं, अच्छा खासा पैसा बटोर कर ले जाते हैं, है ना, ये है ना फॉल्स, है कि नहीं? यहाँ पर दिखा है ना अफगानिस्तान, यहाँ पर मैंने फॉल्स पे टिक किया ना, क्यों किया था इसे, है ना। इस टाइप से आप भी ट्रू या फॉल्स करके आप पैसा यहाँ पर कमा सकते, बाकी यहाँ से पैसा बढ़ा घटा भी सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। एक तो फैंटेसी खिलाएगा अलग, स्टेट्स फैंटेसी खिलाएगा अलग, और तो मैं बताऊं ये दो चार दिन जो बचा है ना, इसमें आप अच्छा खासा पैसा इससे कमा सकते हैं। अगर नहीं ये मिस कर दिए ना, बेकार है फिर, बेकार है फिर, देख रहे हैं ट्रू या फॉल्स सब, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा क्या है, स्टेट्स फैंटेसी खेलना स्टार्ट करें, लाइव आप लाइव मैच चल रहा है ना, तीन ओवर में क्या होगा, छह ओवर में क्या होगा, बाबर कितना रन मारेगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, सौ सवाल पूछा हुआ है, जिसको आपको जवाब लगता है सही देके पैसा कमा लीजिए। अब लोग यहाँ पड़े, बस हम 11 खिलाड़ी को चला के पैसा कमा, अरे कुछ जरूरी है कि 11 को चलाएंगे तभी पैसा कमाएंगे, हम लगा रहे हैं, हाँ चल रहा है, चल रहा है, बाकी रोज पैसों तो कमाएंगे इससे ना, स्टेट्स खेलना स्टार्ट करें, ठीक है। स्टेट्स फैंटेसी याद रखिएगा, इस पर खेल दवाइए और खेलिए, इतना ओवर में इतना रन भी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, विकेट गिरेगा, बहुत सवाल रहता है मेरे भाई, हम लोग उसी से पैसा कमाते हैं, आप लोग भी कमाना स्टार्ट करिएगा, काहे पीछे है यार, देखिए 10 रुपये 1 रुपये बाजी करिए सब, 10 रुपये में लीग खिलाता है, 1 रुपये में खिलाता है, देख रहे हैं ये सब है ना, क्या है यार 5,175, थोड़े से पैसे ज्यादा, जैसे हम लोग इसको खेल लेते, एक ही टीम बनाएंगे बस, हो गया 10,000 रुपये काम खत्म। ऐसे आप भी खेल सकते हैं भाई, मगर प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी है, किस प्लेटफॉर्म पे आप खेल रहे हैं, ठीक है। तो बल्लेबाजी को आज ही डाउनलोड कीजिए, आवाज से खेलना स्टार्ट करिए, और पैसा हर एक फॉर्मेट में कमाना स्टार्ट करिए, हर एक फॉर्मेट। हम ये नहीं बोलेंगे सिर्फ फैंटेसी खेल के टीम बना के बबुआ पैसा कमा, ऐसा नहीं, हमारा सिस्टम है कि पैसा जहां से आ गए वहां से कमाएंगे, बस गलत चीज नहीं कर रहे यार, किसी का चोरी नहीं कर रहे ना, मैं बात खत्म, है ना, सही है सब कुछ। अब देखिए अफगानिस्तान का पॉसिबल प्लेइंग 11 जो हारने का बहुत बड़ा कारण है, लोग कौन कौन है सब देखिए, पहचाने ध्यान से, चलिए आगे बढ़िया से पहचानते हैं ना, काम के साथ पहचानते हैं कैसे कैसे काम है इन लोग का। देखिए रहमानुल्ला गुरबच मैच 22 खेला ओडीआई का, ठीक है, 797 रन है, 37 का एवरेज है गुरबच का, उसके बाद एक मैच हेड टू हेड में पाकिस्तान के साथ खेला गया, 18 का एवरेज है, वेन्यू मतलब कि महिंद्रा राजपक्षे महिंद्रा स्टेडियम की मैं बात कर रहा हूँ, 4 मैच यहाँ पर बंदा ये खेल चुका है रहमानुल्ला गुरबच, ठीक है, 42 रन 4 मैचों में मारा है, 10.5 का यहाँ पर एवरेज स्कोर है, मतलब इतना रन इनका है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 18, 6, 145, 22 और 8 रहमानुल्ला गुरबच, ठीक है। आगे देखिए इब्राहिम जदरन 0, 0, 141 और 2 ये सॉरी 22, मगर इनका एवरेज बात करें तो वेन्यू पे 43 का है, ठीक है, और यहाँ पर ओडीआई 57 का है, तो ये लगभग में ठीक ठाक। देखिए ये लोग के अंदर क्या है मैं बताना चाहूंगा आपको, दोनों का मैं इनका भी देखा, बहुत बार मैं लेकर भी पछताया हूँ, अब कई बार मैं नहीं लेकर भी पछताया हूँ, है ना। गुरबच एक ऐसा प्लेयर है, कभी कभी देख रहे हैं ये क्या है, दहेज थोड़े मिला है ना, दहेज नहीं है ये 145 रन मारा है, तो भाई कभी कभी देखिए 8 रुपये 2200 रुपये कभी 145, तो ना लेना लेना दोनों अंतर, मतलब हम इतना कहना चाहेंगे कि आप अगर लेकर जाना चाहते हैं मेरे राय से, तो इस बार इनको लेकर के चल सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि ये बंदा थोड़ा सा ठीक ठाक है, इनके जैसा नहीं, मतलब कह रहे आओ चाहे जाओ वो वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो इनको आप लेके जा सकते हैं, अगर थोड़ा सा रिस्की टीम नहीं बनाना तब के लिए, तो रिस्की है इनको आप लेके जा सकते हैं, अगर 2-3 टीमें हैं तब आपके पास, नहीं तो इनको ले जाइए, क्या कि अगर एक टीम बनाएंगे एक ही में इनको ले जाएंगे, तो फिर तो आपका मतलब बेड़ा एकदम बराबर है, साला इन्हें झुका तब होगा इन्हें झुका तब हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा सिस्टम इनके साथ में होता है, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिए रहमत शाह 0-1 है, 0-2, 8-7, 7 अभी पूरा मतलब ये बराबर हो गया, हालांकि 95 मैच का बड़ा अच्छा खासा अनुभव, मगर कोई काम का नहीं, वो खा अनुभव कहाँ होगा रह करके, जब काम ही नहीं बनेगा तो मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पर। अब देखिए शाहिदी की बात करें तो 0-22, 2-9 ये सब सलाह बेकार है, तुमसे मूड लहराने का काम खा लिया, 31-48 के इनका एवरेज है, देख रहे हेड टू हेड, मगर क्या मतलब है, जब आप अच्छा हैं तो अच्छा हर जगह दिखाइए, 5-5 मैच खेल के सलाह को मैच नहीं जीते, मतलब ही क्या बनता है ना। चलिए देखते हैं आगे, बाकी आगे अगर नहीं मिलेगा कोई तो खोजेंगे उनको, ले आएंगे, चल भाई आओ फिर से टीम में, नहीं आए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर हमारे पास है अवेलेबल प्लेयर है ज्यादा उनको ले जाने कोई मतलब नहीं, ठीक ना। यहाँ पर इकराम की बात करें, देखिए 4-9, 19, 58, 86 देखे 2 मैच बड़ा अच्छा है, बाकी वही बाबा जी का टुल्लू वाला काम हो जा रहा है साला,
सब ऐसा ना, ये मोहम्मद नबी ये ठीक है, इनको आप लेके जा सकते हैं, ये लगभग लगभग मिला मिला जुला के आपके लिए ठीक ठाक है, ठीक है, ये बेस्ट पिक है अपना, इनको लेके चलिए। अभी हम लोग कितना खोजे हैं, सिर्फ दो या तीन प्लेयर सिर्फ खोजे हैं अफगानिस्तान से, बाकी सब वही क्या करेंगे लेकर के चले, जब जीत ही रहा मैच यही लोग तो हम लोग का जिताएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे लोग। अजमतुल्ला उमराजी की बात कर, देखिये 16 पे 0 है, 56 है, 2 है, फिर 1 है, फिर 28, 137 रन। राशिद खान ये तो मैं जोर लगाए हैं बेचारे, दो दो विकेट विकेट 4 विकेट ले रहे बंदर, क्या करेगा राशिद खान भी हो गया। हमको मिला जुला के मेरे हिसाब से अफगानिस्तान का यार 3 से 4 प्लेयर मेरे हिसाब से ज्यादा हो जाएगा, बाकी पाकिस्तान से ही लेना पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है भाई, जिसकी लाठी उसकी, जिसकी लाठी उसकी, बताइए यार, अब बताने का एक ही उपाय है कमेंट बॉक्स, बाकी आप वहां से बोलेंगे तो हमको सुनाई नहीं देगा, हम बोले आपको सुनाई देगा, ठीक है। मुजीबुर रहमान देखिए 3 विकेट 0 विकेट, 3 विकेट 2 विकेट और 0 विकेट, ये है वेन्यू स्टेटस इनका, देखिए 4 में 5 विकेट है, 3 में 7 विकेट, यहाँ हेड टू हेड में थोड़ा सा अच्छा इनका सिस्टम, मतलब बहुत सारे लोगों को ये आउट करते हैं, आपको प्लेयर बैटल में भी दिखाई देंगे, ठीक है, तभी तो हेड टू हेड में दिखाई दे रहा है ना, और 82 में 89 विकेट, मतलब अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, इनको भी आप टीम में रख सकते हैं, क्योंकि 82 में 89 बहुत ज्यादा होता है भाई मेरा, ऐसे ही नहीं है ना, फजल हक फारूकी, ये देखो देखिए अफगानिस्तानी सब बॉलर बड़ा अच्छा होता है, देख रहे सबका एक एक दो दो विकेट 3 विकेट है, बैट्समैन है सब, वैसा बैट्समैन है सब, चला सन की बैट्समैन है, कभी 0 तो 0, आया तो आया, गया तो गया वाला है, बाकी बॉलर ठीक ठाक है। अब्दुल रहमान इनका तो उतना नहीं है, 2 ही मैच मतलब है ही, 2 ही में अभी 0-0 है, कोई इतना खास कहीं पर भी डाटा नहीं शो कर रहा, ठीक है, बिल्कुल नया में, ओके, अभी इनका कोई मतलब नहीं बनता, रही बात इसमें चला सेकेंड फर्स्ट जो टॉस जीतेगा चाह रहा, कोई मतलब ही नहीं ज्यादा बनता है ना, बराबर का है, बेंच प्लेयर है ये, नूर अहमद वगैरह है ये सब, ठीक है, लेफ्ट आर्म चाइना मैन वगैरह। अब देखिए स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर कौन करेगा, फजल हक फारूकी, मुजीबुर रहमान और अजमतुल्ला उमराजी, ये करेंगे स्टार्ट, उसके बाद राशिद खान, अब्दुल रहमान और फजल हक फारूकी, ये इंडी करेंगे, राशिद खान तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आप चाहे तो सीबीसी भी देख सकते हैं, बाकी देखते हैं पहले, अभी रुकिए सीबीसी के लिए मत सोचिए, बाकी देखते हैं पहले पाकिस्तान का, ठीक है, उसके बाद ये देखिए प्लेयर बैटल, ये अफगानिस्तान के जो प्लेयर है इनको कौन कौन आउट करता है पाकिस्तान के प्लेयर, ये देखिए मोहम्मद नवाज है, अफरीदी है ना, रऊफ है, ये लोग आउट करने वाले हैं, अगर इनकी बॉल फेंकी जाए तो अहमद शाह को दिक्कत होगा खेलने में, कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर 18 बॉल 12 बॉल 2 बॉल पे सब ठिकाने लगा दिया है सब, है ना, पाकिस्तानी बॉलर लोग, आज मेन कमरे तोड़ दिया ना, जो है यही लोग है आगे में, अब मेन जब टीम के कमर टूट गया स्टार्टिंग का तो मतलब ही नहीं बनता, कुछ कुछ काम का नहीं है, पिछला कितना खेल के दे देगा, वही चीज होता है इसमें, ठीक है, ये बॉलर है, बाकी देखते हैं इनके बारे में, अरे वाह इमामुल हक तो यार बड़ा चश्मा वश्मा लगाया के जवान में टाइट है पॉसिबल प्लेइंग 11। चलिए अब इनके टीम को देखते हैं, इनके टीम से कौन कौन उस टाइप के है जो लेके चलने के लायक है, यहाँ पर देखिए फकर जमन, देखिए फकर जमन एक जानते हैं किस टाइप का, मेरे को लगता है जैसा है ना, ये यार स्टार्टिंग जो मैं नाम लिया गुरबच का, वही फकर जमन भी है, देख रहे हैं 180 नबाद है, ठोकेगा तो ठोकता रह जाएगा, नहीं तो फिर ठोकाते रह जाएगा सिस्टम से ये है, मगर बाकी मगर 47 का एवरेज है इनका स्टेटस में, बड़ा अच्छा खासा एवरेज होता है 47 का, है ना, उसके बाद यहाँ पर 3 मैच खेल लिया हेड टू हेड में, मगर 0.6 इसका एवरेज हेड टू हेड में, इसको सब टिकने नहीं दे रहा अफगानिस्तानी बॉलर जो है, खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर रहे हैं इनका, है ना, देख रहे हैं 0.6 इसका एवरेज है रे भाई साहब इनका, देखिए मामूल हक तो 61 90 24 60 6, अभी की अगर बात करें रिसेंट में तो इनका परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा है, 51 59 का सबका चल रहा है तगड़ा, ठीक ना, यही इमामुल हक तक एक बार तरस रहे थे, अभी देखिए परफॉर्मेंस, सबका टाइम होता है मेरे भाई, है ना, सब टाइम से होता है, ऐसे छटपटान से कुछ नहीं होता, ये टाइम पर आया सही है, बाकी इनसे तो अच्छा ही परफॉर्मेंस लग रहा है, किसी कोई कोई भी देखे किसी एंगल से भी कहीं पर भी देखिए आप, हर जगह पर है परफॉर्मेंस अच्छा, मगर इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है जितना कि हम सोच रहे थे, ठीक है, फकर जमन का वही चीज है, रिस्क अगर लेके जाना चाहते हैं तो आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं, बाकी छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि नहीं है उस टाइप ना, हो सकता है कल को यार 200 रन हो जाए यहाँ पर, बात अलग है उसका, मगर उतना कोई चांस ज्यादा नहीं है, बहुत कम चांस है, 5 बार में है ना, ये 5 बार में एक बार सिर्फ ये चांस मिला है, बाकी 4 बार फेल हुए, तो आप भी अगर लेके जाना चाहते हैं तो हो सकता है आप भी 4 बार फेल हो सकते हैं, नहीं तो कल भी निकल सकते हैं, ये चीजें हैं इनके अंदर, ठीक है। अब बाबर, अरे बाप रे बाप भाई, नाम पे मतलब थप्पा लगवा दिया यार अरे यार 3 मैच 37 का एवरेज है, मगर हेड टू हेड में ठीक है,
101 रन है, 58 का एवरेज है बाबर में, मगर यहाँ पर 1-0, ये तो यार सुन करके मतलब गजब लग रहा बाबर आजम का। चलिए खैर कोई बात नहीं, बाबर आजम देखिए बड़ा प्लेयर है, होता है कभी कभी। अब मोहम्मद रिजवान, देखिए यही सब है जो अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के, तो यही सब इसके मतलब रीढ़ कह सकते हैं। ये दोनों तीनों अगर चला गया तो फिर मतलब ही नहीं बनेगा, है ना सब। और ये चीज है अफगानिस्तान का बॉलर बहुत तगड़ा है, भले बैट्समैन नहीं है सही, वो तो बात अलग है, मगर तगड़ा बॉलर बहुत अच्छा है, बैट्समैन भी ऐसे जो टीक गए टीक गए फिर गए तो गए। रिजवान का भी सिस्टम देखिए अभी सही है, ठीक ना, 21-19, 24-23 मार दे रहा कम से कम। अब देखिए एक चीज आप देखिएगा, इस चीज में ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से जिसका सिलेक्शन परसेंट हाई रहेगा उसको रखिएगा, ठीक है, जिसका लो रहेगा उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि लो वाले को आज छोड़ के ही सभी लोग जाने वाला, जिसका हाई रहेगा उसको रखिएगा, ठीक है, दोनों में से जिसका भी हो। और नहीं तो अगर दोनों रखा जाए दोनों भी अपने हिसाब से ठीक ठाक है, अगर ऊपर के गिरते हैं विकेट तो ये दोनों अच्छा काम कर सकते हैं। अब अग्गा सलमान की बात करें तो भाई देखिए 57-7, 58-31 अग्गा सलमान का हो कैसे हो, कहा हाल चाल है, 7 का एवरेज है एक मैच में यार, कहीं बताए इफ्तिकार अहमद, ये तो सही है भाई, ये लगभग अपने जगह पर सही है बंदा, उतना कोई खास दिक्कत नहीं इनको लेके जाने में, है ना, अपने जगह पर ठीक ठाक है। okay, देख ही सकते हैं अग्गा सलमान का क्या हाल चाल है, कंडीशन आपके सामने है। देखिए जो भी हो टीम भाई मैं आपको टेलीग्राम पे ही कह सकते हैं दे पाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो मुश्किल है, बाकी अपने लास्ट वीडियो में दिखाई देगा अभी लास्ट में, मगर टॉस के बाद ही अब क्लियर टीम बन पाएगी। शादाब खान देखिए ये सब भी है ना लेके जाने के लायक, अच्छा खासा ऑलराउंडर का भूमिका निभाते हैं कह सकते हैं। उस्मान मीर 0-2, 4-0-1, अरे सर कभी लेगा तो 4 विकेट, कभी लेगा 2 विकेट, है ना, कभी 0-0 जाएगा, 7-10 विकेट उस्मान मीर का। जीरो, चलिए जीरो है तो एक बार इनको भी ट्राई करिए अपने टीम में एक बार, ठीक है, उस्मान मीर को भी रख लीजिए। उसके बाद शहनशाह अफरीदी, अरे सब जोकर वोकर सब जबरदस्त है सब, चलिए इनको भी टीम में रखिए, 3 में 8 विकेट है ना, बता दिया यही चीज, 37 में 72 विकेट है, ये सब देखते ही लगता है कि हाँ खुखार है सब, है ना। हरीश रऊफ, बाप रे ये तो है असली, जो मतलब कह सकता है अफगानिस्तान का कमर तोड़ने वाला साला ये। एक मैच खेल के 5 विकेट अकेले निपटा दिया, राइट आर्म फास्ट है ना, 23 में 44 विकेट, 5.5 का यहाँ पर देखिए 2 का आइकॉन में दिया था भाई वेन्यू पे, क्या ही बताए, हमको लगता है सीबीसी के लाइक भी सही है ये बंदा, ठीक है, क्योंकि इकॉन में देखिए 2 का, हाँ वो अलग बात है कल को विकेट मिले ना मिले वो चीज़ है, मगर अगर लेके जाते हैं तब सीबीसी भी ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए सीधा, 2 कम में से कम करिएगा, ठीक है, चाहे तो छोड़िए चाहे तो लीजिए, तो सीबीसी ट्राई कीजिए। उसके बाद देखिए नसीम शाह, देखिए एक बात बताया, हमको लग रहा था ये मैच जो है टक्कर होगा तो बॉलरों का ही टक्कर होगा, इस बार फिर से पाकिस्तानी जीत देखते हो, क्योंकि उस साइड में है तो जरूर बैट्समैन मगर वो रेगुलर वाला नहीं है, अब हो सकता है कल को रामानुल्ला गुरबज बमक जाए मार दे 200 रन, बात की बात है निकल जाएगी, मगर अगर इसी टाइप से रहा सिस्टम 10-20-30-16 तो पाकिस्तान मैच को जीत लेगा, क्योंकि पाकिस्तान के बाद बाबर है रिजवान है, ये सब बड़ा संभाल के खेलने वाला इंसान है सब, ठीक है, और नसीम शाह वगैरह ये सब देख रहे हैं, ये सब बॉलर देख रहे हैं, हर बार कभी खाली नहीं किया इनका बार, हर बार कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ विकेट इनको मिला है, 9 मैच में 24 विकेट, ये सब ऐसे ही थोड़े मिलता है उपाधि, ये सब ऐसे ही नहीं है, सब मेहनत किया सब यार। बेंच प्लेयर देखा, बेंच प्लेयर मोहम्मद वसीम वगैरह सब है इनके पास, अच्छा खासा कह सकते हैं पूरा टैंक थिंक टैंक, वही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं थिंक टैंक, स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर। ये देखे शहनशाह अफरीदी है, नसीम शाह, हरीश रऊफ और शादाब खान, हरीश रऊफ और नसीम शाह, यही है पाकिस्तान की तरफ से स्टार्टिंग एंड डेथ करने वाले। और इसके बाद ये जो मैं बोल रहा था आपको कि प्लेयर बैटल, ये चीज देखिए आप, फकर जमन को कौन कौन आउट कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिखा दिखा रहमान और यहाँ पर फारूकी, अरे भाई ये बोले ना बॉलर इसके पास भी तगड़ा है, ऐसा नहीं है, बॉलर दोनों के पास ठीक ठाक है, मगर ज्यादातर अगर बात करें तो पाकिस्तान के पास भी बॉलर कोई कम नहीं है ना, अच्छा खासा है, अफगानिस्तान तो है ही, तो बॉलर के दम पे ही जीत गया अफगानिस्तान मैच, नहीं तो फिर मुश्किल है मैं मैच जीतना। उसके बाद लास्ट पॉइंट पे ये बोलना चाहूंगा, इसके बाद मैं टीम आपको दिखाता हूँ कि भाई टेलीग्राम को ज्वाइन करें जिसको मैच जीतना है, ठीक है, ज्वाइन पे सिर्फ क्लिक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ, कोई पैसा नहीं देना इसका, ठीक है, मैं टीम दूंगा आपको लगाना, सिर्फ आपको क्या 1 से 2 प्लेयर अपना रखना पड़ेगा,
आप जानते हैं मैं दूंगा, सब लोग कॉपी करेंगे तो सब लोग कॉपी, सब थोड़े जीत जाएंगे आप। एक ही तो चार लोग जीतता है, जो एक प्लेयर चेंज किया, दो प्लेयर चेंज किया, उसका सटीक बैठ गया, हो गया, निकल गया काम, है ना, ऐसा होता है, सब कॉपी करके नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा आपको नहीं देना है। ठीक है, ये लीजिए, अभी के लिए आप हमारी टीम को देख सकते हैं, देखिए, ओके, फटाफट से मारिए स्क्रीन शॉट, धड़धड़ा ले एकदम खटखटा के, हो गया। हाँ तो यही है भाई, ठीक है, गुरबज उबज रखे हैं, बस वही सोच के कि चलो आयर चाहे पारमा अभी के लिए, बाकी टॉस देखते हैं किस के फेवर में जाता है टॉस, उसके बाद से तुरंत अपडेट और तुरंत टेलीग्राम के पटक दूंगा लाकर टीम। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। चलिए, वीडियो अगर समझ में आया एक लाइक करिएगा, और चैनल पर नया चैनल को समझ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी चीजें होती है बड़ा प्यार से और अपने भाषा में मैं एक्सप्लेन करता हूँ भाई, कोई बनावटी कोई ये वाला काम नहीं है मेरा। ठीक है, जो है सो है, आपके सामने हम है और ये हमारा स्टेटस है। अच्छा लग रहा है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए, ताकि आगे और भी वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए फिर लेते हैं आप सही, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।